आज का रेसिपी है चिकन बेसरो। ये ओडिशा का एक बहुत ही फेमस चिकन रेसिपी है। इसमें जो मसाले के सारे मसाला का जो कॉम्बिनेशन है वो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन बेसरो के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है। अब हम उसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक स्वाद का अनुसार, एक चम्मच जीरा और सूखी मिर्च पेस्ट, एक चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने एक चम्मच पोस्तो दाना, एक चम्मच काली सरसों और एक चम्मच पीली सरसों को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको डाल देंगे, एक कटा हुआ टमाटो, एक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच प्याज का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा कटा हुआ ग्रीन चिली, या आप आपके स्वाद के हिसाब से लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पर एक मिट्टी का पॉट ले लिया है। आप किसी भी प्रकार का पॉट यूज कर सकते हैं या कढ़ाई यूज कर सकते हैं फ्राइंग पैन। इसमें मैंने आधा टीस्पून सरसों का तेल लिया है। इसको थोड़ा सा चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे ताकि जो चिकन है ये चिपके ना और अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को डालेंगे। से भी कम पानी, थोड़ा सा पानी लिया है मसाला का जो पानी है, अब हम इसमें डाल देंगे। और इसका हम ढककर लो मीडियम फ्लेम पर आधा घंटा पका लेंगे। अभी हम चिकन को एक बार चेक कर लेते हैं। चिकन अभी हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। अच्छे से पानी जो है पूरा सूखना चाहिए इसमें। अभी चिकन हमारा पूरा 40 मिनट कुक हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वाओ, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है और चिकन हमारा पूरा अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमारा चिकन बेसरो रेडी है सर्व के लिए। जब तक आप इसको अपने किचन में बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितना ज्यादा टेस्टी बना है। तो आप इसको अपने किचन में जरूर बनाइए।